आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार बच्चों, अपना प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्चना शब्द का पर्यायवाची है। देखिए, अपने पास यहाँ पे शब्द दे रखे हैं ऋषि, स्तुति, यज्ञ या दृष्टा। तो अपने इन सभी की चर्चा कर लेते हैं, सभी के पर्यायवाची लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने पास जो शब्द है वो है ऋषि, ऋषि शब्द है। और इसके पर्यायवाची की चर्चा करें तो इसके पर्यायवाची होंगे साधु, साधु, संत, महात्मा, महात्मा, यह इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। दूसरा अपने पास शब्द कौन सा है, स्तुति, स्तुति शब्द है। स्तुति के पर्यायवाची की चर्चा कर लें तो इसके पर्यायवाची हो जाएंगे, स्तुति के पर्यायवाची हो जाएंगे पूजा, अर्चना, पूजा, अर्चना, आराधना, आराधना, पूजन, यह इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके बाद अपने पास अन्य शब्द है यज्ञ, यज्ञ की अपने में चर्चा कर लें तो यज्ञ के जो पर्यायवाची बनेंगे वो हो सकता है हवन, हवन, होम, अनुष्ठान, यह यज्ञ के पर्यायवाची हो जाएंगे अनुष्ठान। इसके बाद जो अपने पास अगला शब्द है वो है दृष्टा, दृष्टा, और दृष्टा के पर्यायवाची हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा साक्षात, साक्षात, और एक हो जाएगा दिखने वाला, दिखने वाला, जो अपनी नजरों के सामने होता है दिखने वाला वो होता है दृष्टा। तो देखिए, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि स्तुति किसका पर्यायवाची है, जो स्तुति है यही अर्चना का पर्यायवाची है, और यही अपने प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से विकल्प नंबर दो अपने प्रश्न का सही उत्तर होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।